दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से फ्री में पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं डक डीमेट अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप डक डीमेट में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपन करने का 100 रुपया बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, और आपको पर रेफर अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो आपको 200 रुपया पर रेफ़र मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे आप डक डीमेट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना कुछ नहीं, अभी आप मेरे जिस वीडियो को देख रहे हैं आपने सिंपली उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चले जाना है। आपको वहाँ पर सिंपली लिंक मिल जाएगा, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, डक डीमेट में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करके आप यहां पर साइन इन बोनस 100 रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक कर देना, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहां पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देता हूं। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक OTP आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सिंपली सबसे पहले यहाँ पर OTP को एंटर कर देना, आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर OTP को एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, OTP को एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिंपली कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आपने सिंपली कन्वर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना एक ईमेल ID को एंटर कर देना, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जितने भी ईमेल ID होगा वो तमाम यहाँ पर शो होने लगे। आपने सिंपली किसी के भी ऊपर क्लिक कर देना है, आप जिस ईमेल ID से यहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ईमेल ID यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली कुछ इस तरीके से नेक्स्ट कर देना, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सिंपल यहां पर अपना पैन कार्ड का नंबर को एंटर कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना पैन कार्ड नंबर को एंटर कर देता हूं। तो दोस्तों, आपने पैन नंबर को एंटर करने के बाद आपने सिंपल यहां पर वेरीफाई माई पैन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक कर दिया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहां पर आपका कंग्रेचुलेशन करके आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सिंपल यहां पर नीचे सिंपली आपने यहां पर कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहां पर अपना फुल नेम को एंटर कर देना, उसके बाद आपका सिंपल यहां पर मदर नेम, उसके बाद यहां पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर इन डिटेल को भर लेता हूं। तो दोस्तों, आपने सिंपल यहां पर अपना मदर नेम को एंटर करना है, उसके बाद आपने सिंपल यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, आपका नेम पहले से एंटर रहेगा। उसके बाद आपने सिंपल यहां पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करना, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं सिंगल है सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल यहां पर कुछ इस तरीके से आपने बिजनेसमैन है तो यहां पर क्लिक करना, अगर आप होम है तो यहां पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो भी मंथली कमाई है, अपनी महीने में आप जितना भी कमाते हैं, आपने सिंपल यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहां पर कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, मैं कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं, आपके पास यहां पर सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, आपने सिंपल यहां पर क्लिक करके सबसे पहले आपने एक सिग्नेचर को यहां पर आपने अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, आपने अपना सिग्नेचर को यहां पर फोटो क्लिक कर लेना, सिग्नेचर करके किसी व्हाइट पेपर पर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने सिंपल यहां पर नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपने सिंपल यहां पर अपने बैंक अकाउंट का यहां पर IFC कोड को एंटर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर अपने बैंक अकाउंट का IFC कोड को एंटर कर देता हूं। तो दोस्तों, एंटर करने के बाद आपने सिंपल यहां पर सर्च बैंक के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, जैसे आप सर्च बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने सिंपल यहां पर कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपका जो भी ब्रांच होगा यहां पर शो होगा। उसके बाद आपने सिंपली कंफर्म बैंक के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, जैसे आप कंफर्म बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने सिंपली यहां पर अपना बैंक अकाउंट को एंटर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर अपना बैंक अकाउंट को एंटर कर देता हूं। आपने फिर से दोबारा यहां पर अपने बैंक अकाउंट को एंटर कर लेना। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैं यहां पर
शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सब सिंपली मैं नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट पर 1 रुपया सेंड किया जाएगा, यानी आपके बैंक अकाउंट पर 1 रुपया डिपॉजिट करेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपने नीचे आना, नीचे आने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट का यहाँ पर पासबुक होता है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर एक फ़ोटो को अपलोड कर देना आपने अपने पासबुक का। तो दोस्तों आपका जो भी पासबुक है सबसे पहले आपने यहाँ पर अपलोड कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों अपलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप नो मनी ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यस करना है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आपने सिंपली नो करके आपने सिंपली यहां पर कुछ इस तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपली यहां पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहां पर कुछ इस तरीके से यहां पर अलाउ कर देना। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने सिंपली कुछ इस तरीके से नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको बहुत सारा 1-2 स्टेप मिल जाता है, आपने सिंपली उनको यहाँ पर तमाम को सेलेक्ट करके ये सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक किया हुआ रहेगा, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे आना, नीचे आने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग लगेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पूरा, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख लेना है आपका जो भी बैंक अकाउंट है। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोने में मिल जाएगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपली यहाँ पर फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अलाउ कर देना, कुछ इस तरीके से साइन इन सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना आधार नंबर को एंटर कर देना है। तो दोस्तों आधार नंबर को एंटर करने के बाद आपने सिंपली सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लूँगा उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली वेट करना है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर अलाउ कर देना, उसके बाद आपने सिंपली सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। तो दोस्तों जो भी ओटीपी आएगा आपने सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पर आ चुका, आपने सिंपली कॉपी करके यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। तो दोस्तों एंटर करने के बाद आपने सिंपली वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर वेट कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने सिंपली पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहां पर सबसे पहले अपना पासवर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, आपने यहां पर वही पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसी पासवर्ड के जरिए से आप यहां पर इस एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पासवर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपने 2 मरतबा पासवर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों पासवर्ड को सेलेक्ट करने के आपने सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस पासवर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर 24 से 48 घंटा वेट कर लेना है और आपके ईमेल आईडी पर आपका यूज़र आईडी आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों 24 से 48 घंटा वेट करने के बाद आपने सिंपली अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पर आपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो दोस्तों जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर सर्च करना है जैनम। तो दोस्तों जैसे आप जैनम सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाला जो यूज़र आई डी शायद है कि नहीं है ये,
सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, आपने सिंबल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंबल कुछ इस तरीके से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर सर्च करना है स्पेस जैनब। तो दोस्तों आपने सिंपल कुछ इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपल यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपल यहाँ पर अभी जो कॉपी किया आपने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर नीचे पासपोर्ट, जो आप पासपोर्ट रखे थे वही पासवर्ड आपने सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर लॉग इन नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों मैं लॉग इन नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं, यानी मेरा यूज़र आईडी अभी यहां पर गलत बता रहा है, यानी मेरा यूज़र आईडी नहीं आया है। अगर आपका भी 24 से 48 घंटा वेट करने के बाद आपका यूज़र आईडी नहीं आता है तो आपने सिंपली यहां पर यूज़र आईडी के जगह पर आप जो मोबाइल नंबर से अकाउंट ओपन किए थे आपने सिंपली उस वाले मोबाइल नंबर को यहां पर एंटर कर देना। तो दोस्तों मैं एंटर कर देता हूं। उसके बाद आपने सिंपली लॉग इन नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहां पर देख सकते हैं हमने थ्री लाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप थ्री लाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने सिंपली यहां पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली यहां पर नीचे आकर के माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने सिंपली यहां पर वेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंटरनेट की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आपने सिंपल कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं मैं रिवार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर मैं रिवार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन इन बोनस 100 रुपया मिल जाएगा, जो कि आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे विड्रॉ कर सकते हैं मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को रेफर करना चाहते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, 200 रुपया रेफर कमाना चाहते हैं तो आपने नीचे आना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं पर रेफर आपको 200 रुपया मिलने वाला है। तो दोस्तों रेफर करने के लिए आपने नीचे आना है। उसके बाद आप सिंपल यहां से इस लिंक को कॉपी करके भी रेफर कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप वगैरह में डायरेक्ट रेफर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने सिंपल यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सिंपली कुछ इस तरीके से यहां पर आप व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करके किसी को भी रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपके लिंक से यहां पर आपका अकाउंट ओपन कर लेता है तो आपको तुरंत यहां पर अकाउंट जैसे आपका दोस्त का हो जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर 200 रुपया मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जितने भी रेफर करेंगे आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जितना भी रेफर करेंगे वो तमाम पैसा यहाँ पर जमा हो जाएगा और यहाँ पर आपको साइन इन बोनस भी 100 रुपया मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने 3 महीने का वेट करना है, आपने रेफर करते जाना है। जितना भी आप रेफर करेंगे तमाम पैसे यहाँ पर जमा हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप रेफर पर रेफर 200 रुपया और साइन इन बोनस आप यहाँ से 100 रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, आपने लिंक के ऊपर क्लिक के अकाउंट ओपन कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद है, पसंद है तो लाइक जरूर कर देना।